न्यायवत्कारिता मंत्री माननीय श्री थावरचंद गहलोत जी, भारत सरकार के ही सभी माननीय मंत्रीगण, श्री कृष्णपाल जी, श्री रामदास अठावले जी, श्री रतनलाल कटारिया जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगीगण, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी, श्रीमती पटेल जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं संगम नगरी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विगत वर्ष इसी समय प्रयागराज कुंभ ने अपनी भव्यता और दिव्यता का एक नया परचम दुनिया के सामने लहराया था। कुंभ का शुभारंभ और कुंभ के समारोप के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्रयागराज वासियों को और सभी श्रद्धालुओं को प्राप्त हुआ था और उन्हीं के मार्गदर्शन का परिणाम था कि भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती में करने पर हमें सफलता प्राप्त हुई थी। सैकड़ों वर्षों के बाद अक्षय वट जो प्रयागराज की पहचान थी, वो अक्षय वट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुल पाया और यही नहीं, सरस्वती कूप तक भी जाने के लिए सभी श्रद्धालु जनों को एक मार्ग मिल पाया। गंगा की निर्मलता वास्तव में हरेक श्रद्धालु के मन को दशकों के बाद उन्हें अवसर प्राप्त हुआ कि उन्हें मां गंगा की निर्मल धारा को देखने का अवसर प्राप्त हो जाए। यह दुर्लभ संजोग अगर हमें प्राप्त हो पाया है, देश के यशस्वी नेतृत्व के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही प्राप्त हो पाया और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिव्यांग जनों के इस महाकुंभ में अपना मार्गदर्शन देने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि दिव्यांग जनों के प्रति एक सम्मान का भाव पैदा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उन्होंने विकलांग शब्द को दिव्यांग कहकर के उन्हें सम्मान देने के साथ साथ शासन में उनकी भागीदारी हो सके और शासन की योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो सके, मोटराइज ट्राई साइकिल की व्यवस्था जो आज यहां पे लगभग 900 दिव्यांग जनों को एक साथ प्राप्त हो रही है, इससे पहले दुर्लभ था। एक साथ इतने हजार लोगों को यह अवसर, एक साथ कृत्रिम अंग उपकरण और सहायक उपकरण एक साथ प्राप्त हो सके, यह भी एक दुर्लभ क्षण है और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन का परिणाम है। उत्तर प्रदेश में दिव्यांग जनों को मिलने वाली जो पेंशन थी, जो मात्र 300 रुपये थी, उस पेंशन की राशि को 500 रुपये करने के साथ ही प्रदेश में 10,55,500 से अधिक दिव्यांग जनों को इस पेंशन की राशि प्रदेश की ओर से सभी दिव्यांग जनों को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। पिछले 5.5 वर्षों के अंदर देश के अंदर लगा कि दिव्यांग जनों के लिए भी कृत्रिम अंग उपकरण वितरित हो सकते हैं और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से माननीय श्री थावरचंद गहलोत जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश के अंदर हर जनपद में बड़े बड़े कैंप और शिविर आयोजित किए, आज उसका परिणाम है प्रयागराज में यह कई विश्व रिकॉर्ड के साथ दिव्यांग जनों का यह अद्भुत कुंभ हम सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन भी कर रहा है। भाइयों बहनों, मोटराइज्ड ट्राई साइकिल में यहां पर जिन दिव्यांग जनों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल उपलब्ध हो रही है,
मैं धन्यवाद दूंगा यहां के दोनों माननीय सांसदों को, माननीय विधायकों को, जिन्होंने अपने स्वयं की निधि से भी दिव्यांग जनों को मिलने वाली जो सब्सिडी थी उस अनुदान में अपनी निधि को भी उपयोग करते हुए आज उन्हें मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराने में अपना योगदान दिया है। हम सब इस विश्वास के साथ कि बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का जो एक संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार की है, उसमें न जाति का, न क्षेत्र का, न भाषा का, न मत का, न मजहब का और न ही किसी प्रकार के लिंग का भेद किए बगैर किसी भी प्रकार के किसी भी भेदभाव से ऊपर उठ करके शासन की योजना समाज के प्रत्येक तबके तक और यहां तक कि दिव्यांग जनों को भी उसमें सहभागी बनाने की जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की शुरू से ही संकल्पना थी, उस संकल्पना का एक मूर्त रूप आज यहां पर इस दिव्यांग जनों के इस महाकुंभ के अवसर पर इस कुंभ नगरी संगम नगरी में देखने को प्राप्त हो रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की धरती पर उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके पधारने के लिए, उनके मार्गदर्शन में जो भव्य और दिव्य कुंभ हुआ है, आज उस भव्य और दिव्य कुंभ का एक नया स्वरूप दिव्यांग जनों के इस भव्य कुंभ के माध्यम से भी देखने को मिल रहा है। मैं उनका एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं मंच पर उपस्थित आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे दिव्यांगजनों को, वरिष्ठ नागरिकों को, लाभार्थियों को अपना आशीर्वाद दें, प्रतीक स्वरूप उन्हें ये उपकरण प्रदान करके सब यहाँ पर जितने आज दिव्यांगजन वरिष्ठ हमारे नागरिक उपस्थित हैं उन्हें आशीर्वाद दें। सबसे पहले मंच पर सिविल लाइन्स प्रयागराज के राजेश, पिता का नाम श्री उमेश, इन्हें मोटराइज ट्राई साइकिल दी जा रही है। यह ट्राई साइकिल प्रदूषण रहित आधुनिक बैटरी चालित ट्राई साइकिल अस्थि बाधित दिव्यांगजनों के दूर तक आने जाने के लिए प्रदान की जाती है। उनके आशीर्वाद के साथ अब मैं आवाज देती हूं मीनू निषाद। मीनू निषाद जेपी चौराहा प्रयागराज की निवासी, श्री रोशन लाल निषाद उनके पिता का नाम, मोटराइज ट्राई साइकिल इन्हें भी प्रदान की गई। यह 45 किलोमीटर तक एक बार चार्ज होने पर चलती है और प्रति घंटा इसकी गति 22 किलोमीटर है। इस मोटराइज ट्राई साइकिल के साथ ये हमारे दिव्यांगजन सड़कों पर भी जाते हैं, इन्हें हेलमेट भी प्रदान किया गया। रविन्द्र पटेल, श्री रविन्द्र पटेल जी, पिता श्री हरिकेश पटेल, इन्हें कृत्रिम अंग इस पैर के रूप में प्रदान किया गया जिसके माध्यम से ये सामान्य जनों जैसे ही चल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। इन्हें ये कृत्रिम पैर भेज किया गया और साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद। भरत कुमार, इन्हें राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत दांतों का सेट, कृत्रिम दांतों का सेट, हियरिंग एड, श्रवण यंत्र, बैटरी के साथ फूट केयर यूनिट, स्पाइनल सपोर्ट और चश्मा, ये चीजें इन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रदान की जा रही हैं। जोरदार तालियों से एक बार पुनः हम माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हैं, उनका नमन करते हैं। श्रीमती संगमित्रा सिंह, एडीए कॉलोनी नैनी प्रयागराज की, इन्हें भी श्रवण यंत्र, बैटरी के साथ वॉकिंग स्टिक, सीट के साथ एलएस बेल्ट, नी ब्रेस और चश्मा, ये सामान प्रदान किए गए, ये उपकरण प्रदान किए गए और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद।
विजय प्रकाश सिंह। विजय प्रकाश सिंह चक बबुरा नैनी से हमारे बीच, इन्हें भी श्रवण यंत्र राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत इन्हें श्रवण यंत्र, वॉकिंग स्टिक विथ सीट, एलएस बेल्ट, नी ब्रेस और चश्मा, ये सहायक उपकरण इन्हें प्रदान किए गए और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद। विजय प्रकाश सिंह जी और इनके बाद नवनीत कुमार तिवारी जी। नवनीत कुमार तिवारी जी ओम गायत्री नगर प्रयागराज के श्री भोलालाल तिवारी, इनके पिता का नाम। इन्हें श्रवण यंत्र बैटरी के साथ प्रदान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी जोरदार तालियों से हम उनका अभिवादन करते हैं। विवेक मणि त्रिपाठी, पिता श्री इंद्रमणि त्रिपाठी, इन्हें स्मार्ट केन और स्मार्टफोन प्रदान किया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से। स्मार्टफोन आधुनिक दूरसंचार यंत्र दृष्टि बाधित दिव्यांगजनों के उपयोग के लिए प्रदान किया जाता है।